हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सो? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पर्पल हॉल, जो कि टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने सोचा जो भी मैंने लिया है आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो वीडियो आएगी उसके उसी से ही रिलेटेड आएगी, तो आपको उसी टाइम प्रॉब्लम ना हो कि आप मुझे ना पूछे कि आप इस प्रोडक्ट इतने प्राइस में लिया था, उस प्रोडक्ट इतना प्राइस में लिया था, ऐसा ना सोचो आप लोग। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो पर्पल पे चल रहा है सेल, अभी भी चल रहा है, आई डोंट नो, बट मैंने जब खरीदा था तो सेल चल रहा था। एनो बेक 10 प्रोडक्ट अगर आप बाय करते हो तो आपको 50% का ऑफ मिलता है, तो अंडर 100 रुपीज़ आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ मैंने एनो बेक का प्राइमर जो था वो 113 रुपीज़ का था, लेकिन और सब कुछ अंडर 100 रुपीज़ का था, तो मैंने सोचा कि ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अंडर 100 रुपीज़ में अगर आप बिगनर हो, कोई भी मेकअप आपको चाहिए तो आप चाहे तो ले सकते हो, और सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरा टंग बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा है तो माइंड मत करना। तो सबसे पहले हम जो पैकेजिंग की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा वाला पैकेजिंग में हमेशा प्रोडक्ट रिसीव होता है। मुझे कोई भी मुझे अभी तक का ख़राब प्रोडक्ट या फिर टूटा फूटा नहीं रिसीव हुआ है। अगर आपको रिसीव होता है तो पर्पल पे 15 डेज का रिटर्न पॉलिसी होता है, तो आप चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। मुझे एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, लेकिन मैंने उसको इस टाइप के बॉक्स में रख लिया है, और एक बार एक एक करके मैं आपके साथ सब प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और सबका प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ का है ये मुझे याद है। स्क्रीन पर आपको प्राइस दिखते जाएगी यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है वो है गुड वाइब्स के रोज ग्लो टोनर, क्योंकि मैं ये गुड वाइब्स के टोनर यूज़ करती हूँ। मेरे पास एक था 120 ml का, जो कि था ग्रीन टी वाला, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। मैंने सोचा था कि ये रोज ग्लो वाला बहुत ही अच्छा था, तो मैंने रोज वाला लिया है अभी, और ये थोड़ा सा बिग है, 200 ml का है ये, और उसका जो प्राइस है 225 रुपीज़ का है, लेकिन ये मुझे 169 रुपीज़ में मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लिया है, उसके ऊपर भी ऑफर था, अगर आप 10 प्रोडक्ट लेते हो गुड वाइब्स का तो आपको 50% का ऑफ मिलता है, लेकिन मुझे गुड वाइब्स का 10 प्रोडक्ट नहीं मुझे कुछ लेना नहीं था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक लिया है। मुझे नीड नहीं था उस सब का, तो इसलिए मैंने ये लिया है, क्योंकि गुड वाइब्स के ऑल प्रोडक्ट मेरे पास है, इसलिए ये था फर्स्ट प्रोडक्ट। और सेकंड जो मेरे पास है वो है ये सारे के सारे एनो के प्रोडक्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एनो बेक का फाउंडेशन, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, तो मैंने फाइनली ले लिया है। यह है एनो बेक का फाउंडेशन, और मेरा सेल नंबर है 1, और उसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज़, 150 रुपीज़ आप ऐसा समझ लो, लेकिन ये मुझे जितने में मिला है मुझे याद नहीं है, जो भी प्राइस होगा आपको यहाँ पे मिलेगा। उसका जो अंदर पैकेजिंग है वो इस टाइप की बॉटल में आपको मिलता है, और ये 30 ml का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और 100 रुपीज़ के अंदर ये मुझे जितने भी प्राइस में मिला है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा है, मैंने एक बार यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर इसके ऊपर आपको रिव्यू, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नीचे नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू देते जाऊँगी। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है, और मेरा जो सेड है वो है 1। सेकेंड मेरे पास है जो वो है ये एनो बेक का लाइनर, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, तो इसलिए मैंने ये 2 ले लिया है। मुझे ग्रीन चाहिए था, तो मैंने ग्रीन और ब्लू 2 लिया है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेड नंबर 2 और सेड नंबर 3। सेड नंबर 2 है ब्लू और सेड नंबर 3 है ग्रीन। ये उसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज़, ये भी सेम प्राइस का है। तो उसका जो अंदर पैकेजिंग है वो कुछ इस टाइप की है, और बहुत ही अच्छा टिप के साथ आती है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये, क्योंकि मुझे इस टाइप के लॉन्ग टिप अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा लाइनर लगाने में मेरा हैंड जो होता है सेक करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो।
रॉयल ब्लू कलर का है। अगर आपको ब्लू कलर की लाइनें चाहिए तो आप चाहे तो उसको ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और ये आपकी आइज़ पर 6 to 7 आवर ईजिली रुक जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हो। और ये जो ग्रीन वाला है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, सॉरी, ग्रीन का पैकेजिंग सेम है लेकिन उसका जो कलर है बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, मुझे काफ़ी पसंद है उसका जो कलर। मुझे एक्चुअली ग्रीन कलर चाहिए था, ग्रीन कलर का कोई भी लाइनर मेरे पास नहीं था, तो आप देख सकते हो ये ग्रीन काफ़ी अच्छा है, 100 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाता है, 43 रुपीज़ का ये मुझे मिला है आई थिंक, मुझे याद नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट जो कि लाइनर था, और उसके बाद मेरे पास है जो वो है एक एनोएबे का लिपस्टिक, क्योंकि मुझे एनोएबे का लिक्विड लिपस्टिक अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये 98 रुपीज़ में मुझे मिला था और काफ़ी अच्छा है, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, उसका रेड कलर है मेरे पास, और उसका जो सेड नंबर है, मेरे पास जो सेड नंबर है वो है 44, एक न्यूड कलर समझ के मैंने लिया था, और स्क्रीन पे मतलब फ़ोन पे बहुत ही अच्छा न्यूड कलर लग रहा था, लेकिन ये पिंकिस जो बोलते हैं ना पिंकिस टाइप का न्यूड कलर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, अंदर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, और उसका जो कलर है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं पिक लगा दूंगी कैसा लगता है लिप्स पर, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, उसका जो कलर है वो इस टाइप का है। नेक्स्ट जो मेरे पास था वो था लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छा लिपस्टिक था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा लिपस्टिक मिल जाता है और ये इजीली आपको नहीं हटता है, आपको मेकअप रिमूवर से रिमूव करना पड़ेगा तभी जाके वो हटेगी, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद मैंने जो लिया है वो है एक कंसीलर, और ये भी एनोएबे का कंसीलर है जो कि मेरे पास था, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया था, इसलिए वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अनहाइजिंग हो जाती है थोड़ा सा, इसको मैं ओपन भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से रैप हो के आता है, और मेरा जो सेड है वो है 1, और उसका जो प्राइस है वो है 195 रुपीज़, लेकिन ये आपको ईजिली 98 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसको भी ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था, तो उसके बाद मेरे पास है जो वो है एक लाइनर, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है, और ये मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैंने और एक लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लाइनर है, बहुत ही अच्छे से आपके आइज़ पे विंग बना देता है, और उसका जो टिप है ये डीप ब्लैक कलर का है, उसका जो टिप है आप देख सकते हो कितना अच्छा है, और ये कितना अच्छा लाइनर है, आप उसको तो ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंड करती हूँ ये प्रोडक्ट को आपको, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद मेरे पास है जो वो है एक प्राइमर, जो कि एनोएबे का प्राइमर मेरे पास था, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया है, और उसका जो ट्यूब है बहुत ही बड़ा आता था, लेकिन अभी छोटा आ रहा है, जो कि बहुत ही छोटा सा पैक में और ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही सही वाला पैकेजिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आया, और आप चाहे तो उसको भी ट्राई। नेक्स्ट प्रोडक्ट उसके बाद मेरे पास है जो वो है एक एनोएबे का नेल पेंट, और ये मेरे पास बहुत ही सारा एनोएबे का नेल पेंट है, क्योंकि उसका जो मैट आता है या फिर इसी टाइप का जो भी आता है मुझे अच्छा लगता है उसका कलर, तो इसलिए मैं उसको लेती हूँ। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये जो नेल पेंट है वो मैंने ट्राई किया है, ये मेरे नेल पे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, और लेकिन ये नेल पेंट का कलर बहुत ही अच्छा है, लेकिन नेल्स मेरे नेल्स पर थोड़ा गंदा लग रहा है। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद मेरे पास है जो वो है एक आईब्रो पेंसिल, और यहाँ पे है एनोएबे का सिटी आइलैंड एक काजल पेंसिल, आप ऐसे समझते हो, ये ब्लू कलर का काजल पेंसिल है, इस टाइप का ब्लू आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये 40 रुपीज़ में मुझे मिला है। अगर आपको ब्लू कलर की काजल चाहिए, अगर आप बिगनर हो, कलर्स गोइंग गर्ल हो, तो आप इसको रख सकते हो, क्योंकि आप कोई भी आई मेकअप ना करके उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेना, आपके आई लुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा,
इसलिए. और यहाँ पे मेरे पास जो आईब्रो पेंसिल वो है एनवाई का आईब्रो पेंसिल, मेरे पास एक था लेकिन मैंने पहले जो प्रोडक्ट मंगाया था वो बहुत ही गंदा निकला, इसलिए क्योंकि उसका जो मैंने जब भी उसको सॉप करती थी सपनोर से तो वो टूटता था. लेकिन उसको मैंने ट्राई नहीं किया है, अगर ये भी वो निकला तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी. इस टाइप के कलर में आएगी ये, बहुत ही सही वाला ब्राउन कलर है. और आपके मेरे आईज़ के कलर जो मेरे जो ब्राउ के कलर है वो ब्राउन है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सूट करता है, तो इसके लिए मैंने उसको एक लिया है. ये 50 रुपीज़ का था, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हो. तो ये थे मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट. और उसके बाद मेरे पास जो है वो मुझे फ्री में मिला है, वो है गुड वाइब्स की तरफ से है एलोवेरा इंटीमेंट हाइजीन वास, जो कि इतना छोटू सा मुझे गिफ्ट में मिला है और इस सब के साथ ये फ्री था. तो ये था मेरा छोटा सा फ्री गिफ्ट. और नेक्स्ट मेरे पास ये जो वो है एनवाईवी का नेल पॉलिश रिमूवर, जो कि काफ़ी अच्छा नेल पॉलिश रिमूवर है, मैंने पहले भी उसको यूज़ किया हुआ है. और ये बॉटल जो है मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, ये पिंक कलर का था, बच्चों को पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना. और ये बार बार वो बॉटल लेने की कोशिश कर रहे थे. नेक्स्ट मेरे पास जो वो है एक आई पेंसिल, जो कि लॉन्ग आईलैंड पेंसिल, क्योंकि 6 कलर से है लेकिन ब्लैक को छोड़ के मेरे पास सब कलर है मेरे पास. तो ये था लास्ट कलर व्हाइट कलर का, जो कि हाइलाइटर का काम बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, बहुत ही अच्छे से करेगा. आप देख सकते हो कितना ग्लो करता है. आप चाहे तो व्हाइट काजल की तरह या फिर हाइलाइटर की तरह उसको यूज़ कर सकते हो. और ये भी मुझे 43 रुपीज़ का मिला है. तो यहाँ पे मेरे बैठे हैं मेरी छोटी सी बेटी, जो कि मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रही है और बहुत ही ज़्यादा शैतानी हो रही है यहाँ पर. तो ये था मेरा सारा का सारा हॉल. आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी. आइए तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है. तो इसी तरह का वीडियो मैं मेरे चैनल पर लाती रहती हूँ. तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल.